मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई, और आज आपका भाई जा रहा है अभी किसी काम से हिमाचल में। आज हिमाचल में एंट्री लेंगे भाई, कोई ज़रूरी काम है हमें, तो भाई अभी किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, तो वो काम भी करेंगे और रास्ते के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर व्यू भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहना भाई, वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। भाई अभी बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में, और गाड़ी में यहाँ से जो अपना डेस्टिनेशन अभी दिखा रहा है ना नेविगेशन, वो दिखा रहा है अभी लगभग 3.5 से 4 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। तो गाड़ी में बैठ चुके हैं, यहाँ से बस उड़ान शुरू कर दी है अपनी। तो चलते हैं, व्यू आपको दिखाएंगे सारे बढ़िया बढ़िया व्यू। भाई आज जा रहे हैं धर्मपुर, और मेरे साथ है देखो साहिल। साहिल आज मेरी पहली वीडियो में है भाई, ये गया हुआ था कनाडा 2 साल में, वापस आया घर, और लगभग 2 ही साल हुए मेरे चैनल को भी, तो इसलिए मेरी किसी वीडियो में आपने पहले देखा नहीं होगा, इसे पहली बार मेरी वीडियो में आई है। तो आज इकट्ठे जा रहे हैं भाई धर्मपुर, जो काम है अपना वो निपटा के आएंगे। तो अभी जस्ट कुरुक्षेत्र से निकले हैं भाई बाहर हाईवे पे NH 44 पर। NH 44 का व्यू दिखाता हूँ अभी आपको। भाई ये देखो जो कुरुक्षेत्र का एंट्री गेट है ना, इतना प्यारा रथ ऊपर रखा हुआ है, श्री कृष्ण अर्जुन रथ मेन गेट के ऊपर, और ये है NH 44। भाई अभी हम हैं NH 44 पर, और अभी यहाँ पे जूस पीने के लिए रुके हैं। भाई मौसम देखो आप, कितना शानदार मौसम है, धुंध पड़ी हुई है रोड पर अभी भी, और टाइम जो है अभी 9:48 हो चुकी हैं टाइम, आप देख सकते हैं, और साथ ही देखो कितनी धुंध है भाई रोड पर आज सुबह सुबह। और अभी यहाँ पे बनवाया हमने मौसमी का संतरे का जूस पियेंगे। भाई जूस बना है बड़ा शानदार, मजा आ गया पीने में, ऑरेंज जूस है। साहिल कैसा बना है भाई जूस? बढ़िया, मजा आया, बढ़िया, बहुत बढ़िया जूस बना है भाई, मजा आ रहा है पीने में। भाई ये है यहाँ पे डिकैथलॉन, जिसको भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी सामान लेना हो ना यहाँ पे मिलेगा सारा, कैंपिंग से रिलेटेड भी कोई भी सामान लेना हो, और KFC बर्गर किंग काफ़ी सारे हैं भाई यहाँ पे, बीकानेर वाला जो भी खाना वगैरह आपको खाना होना हल्का फुल्का वो इस चौक पे मिलेगा, और यहाँ से आगे शुरू हो जाएगा जीरकपुर का एरिया। भाई ये देखो थार का लग ही होगा भाई, कितनी प्यारी लग रही है थार गाड़ी, और साइड में खड़ा है ट्रैक्टर 59 नाट 11 जिसे बोलते हैं ना, सिद्धू मूसेवाले का ट्रैक्टर है भाई ये नाट 11। भाई जो HMT 5911 ट्रैक्टर है ना, इसे पहले इतना कोई जानता नहीं था, सिद्धू मूसेवाले ने इसको मशहूर किया था, और पंजाबी में इसे बोलते हैं नाट 11, जैसे हम बोलते हैं HMT 5911, मगर नहीं, पंजाबी में बोलते हैं नाट 11, नाट 11 के नाम से मशहूर है भाई ये ट्रैक्टर। भाई ये है देखो हिमाचल का मेन गेट, जब आप चंडीगढ़ से शिमला की साइड जाओगे ना तो ये मेन गेट आएगा यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और शिमला है यहाँ से 89 किलोमीटर, सोलन है 42 यानी 42 किलोमीटर। ये है वो ट्रैक जो मैं बता रहा था ना आपको, शिमला टू कालका टॉय ट्रेन, जो भी भाई जाना चाहता है ना भाई, बड़ा ही एडवेंचर भरा ट्रैक है ये, और यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको, देखो ट्रेन की पटरी देखो भाई, कितनी छोटी सी पटरी है, और सामने है टनल, 16 नंबर टनल। खड़ा होना साहिल, यहाँ दिखाऊंगा एक बार कितना चौड़ा ट्रैक है, देखो इस पे ना बंदा बच्चे भी आराम से खड़े हो सकते हैं, दोनों साइड में पैर रख के, ट्रैक के दोनों साइड में पैर रखियो। देखो भाई क्या ट्रैक है भाई, देखो टांगों के बीच में ट्रैक आ गया सारा, इस तरह का ट्रैक है ये भाई, ये देखो छोटा सा ट्रैक, उसके ऊपर भी खड़ा जाते हैं आराम से, और जो ट्रेन आती है ना यहाँ पे वो भी छोटी सी ट्रेन है, मगर अंदर से काफ़ी अच्छी है, जब आप आओगे तो मज़ा आएगा आपको यहाँ इस ट्रेन में सफ़र करने का। तो अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, एक बार पीछे का व्यू दिखाते हैं आपको, देखो पहाड़ों की साइड में देखो है ना, पीछे देखो भाई ट्रैक को बनाने में मज़ा आया, पेड़ पौधे देखो कितने प्यारे हैं, और देखने में ही मज़ा आता है ट्रैक को यहाँ पे। तो ठीक है अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, आगे लेके चलते हैं आपको। भाई ये खड़ी है अपनी गाड़ी, गाड़ी में बैठते हैं चलते हैं आगे, और मैं बता रहा था ना
ये पुलना भी 1.5 साल से शुरू हुआ है यहाँ। पहले नीचे से रेलवे ट्रैक घूमती थी तो यहाँ पे फाटक होता था, अब यहाँ पे बन गया ट्रैक, वो पुल बन गया सॉरी। ये देखो अभी इस पुल के ऊपर से जाएंगे। भाई हाईवे के मजे लेने के साथ साथ यहाँ पे आपको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। जब से ये 4 लाइन बना है ना तो यहाँ पे टोल टैक्स भी बन गया है। ये लो भाई अब हम पहुँच चुके हैं कसौली वाले मोड़ पर। यहाँ से ये रास्ता जाएगा भाई कसौली की तरफ, देखो ये रोड जाएगी कसौली। हमें जाना सीधा आगे धर्मपुर जो पड़ेगा सोलन की साइड। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर और रह गया बाकी, तो चलेंगे यहाँ से सीधा। और यहाँ पर भाई ये इस साइड भी है हवेली, मगर देखो अभी बंद कर रखा है, काम चला हुआ है। यहाँ पे हवेली होटल है यहाँ पे, ये जो कसौली वाला मोड़ है ना बिल्कुल इसी मोड़ पे पड़ता है हवेली। भाई अभी पहुँच चुके हैं धर्मपुर, ये है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, जो मैं आपको टॉय ट्रेन बता रहा था ना उसका रेलवे स्टेशन है यहाँ पे छोटा सा। भाई अभी प्लान में थोड़ी चेंजिंग है, जहाँ हम आए थे ना धर्मपुर में वहाँ थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो हमने सोचा यहाँ से कसौली घूम के आते हैं। तो कसौली यहाँ से नज़दीकी है भाई, 10 किलोमीटर है, 30 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। तो चलते हैं कसौली में, आपको दिखाएंगे वहाँ पे माल रोड का नज़ारा और चर्च का व्यू, अगर हो सका तो हनुमान टेम्पल भी जाएंगे। अभी सारा कुछ दिखाएंगे आपको टाइम के हिसाब से, दिखाएंगे टाइम के हिसाब से जैसा कुछ होगा। तो चलते हैं यहाँ से कसौली। भाई ये है वो चौक जो मैं भी आपको दिखा रहा था कसौली के लिए, जो यहाँ से जाते हैं। अभी यहाँ से मुड़ते हैं राइट साइड में, अभी यहाँ से चलते हैं भाई। यहाँ से आपको नज़ारे दिखेंगे एक से एक बढ़िया। सड़क बिल्कुल नैरो सी है भाई, पतली सी सड़क है मगर है मज़ेदार। जिनके पास टाइम कम हो ना, एक दिन में घूम के वापस जाना है, उनके लिए कसौली बहुत बढ़िया जगह है भाई। यहाँ जैसे ही ऊपर जाएंगे ना तो नज़ारे ही चेंज हो जाएंगे बिल्कुल अलग, अलग तरह के पेड़ पौधे आएंगे, अलग तरह की वादियाँ आएंगी, वो सारे आपको दिखाते चलेंगे। गाड़ी यहाँ कर दिया पार्किंग में खड़ी और चलते हैं माल रोड की तरफ, और आपको चर्च भी दिखाएंगे वहाँ पे। तो अभी सामने है माल रोड भाई, यहाँ पे है ये चौक, मेजर ध्यान सिंह का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। है यहाँ पे हेरिटेज मार्केट, कसौली की जो मेन मार्केट है भाई ये है यहाँ, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, दिखाएंगे आपको। भाई मौसम देखो कितना शानदार है, ऊपर अभी भी बादल है यहाँ पे और बिल्कुल ठंडक भाई, बहुत ठंडक है। कैफे हाउस है यहाँ पे खाने पीने के लिए, ये देखो मलाई चाप वगैरह काफ़ी सामान मिलेगा। तभी माल रोड पर हम, और अभी हमने यहाँ पे टिक्की वगैरह खाई थी, मज़ा आया भाई। और थोड़ा घूमते हैं एक बार फिर यहाँ से चलेंगे आगे। भाई अभी माल रोड तो हमने घूम लिया, अभी यहाँ से जा रहे हैं चर्च की साइड में, तो चर्च एक बार दिखाते हैं आपको और फिर यहाँ से जाएंगे नीचे वापस जहाँ से हम आए थे धर्मपुर की साइड। तो कितने प्यारे डॉग हैं यहाँ पे, और रेड कलर के इन्होंने कपड़े डाल रखे हैं। यहाँ पे है ये चर्च, अभी चलते हैं चर्च के अंदर। दोस्तों ये जो कसौली की चर्च आप देख रहे हैं ना, ये 26 अक्टूबर को 175 साल पुरानी चर्च हो गई है भाई। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में बनी उस टाइम की चर्च कितनी मजबूत है भाई। अभी भी 175 साल बाद भी चर्च ऐसी की ऐसी खड़ी है जैसे उस टाइम बनाई गई थी, मगर सरकार की तरफ से अब तक इस चर्च को कोई ऐसी योजना नहीं मिली जिससे इस चर्च का दोबारा नवीनीकरण हो सके। भाई कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ देखो, और अभी एक बार आपको फ्रंट से दिखाते हैं चर्च।
पुराना वहाँ पे घड़ी भी है भाई, वो भी दिखाते हैं आपको। अभी पेड़ के पीछे है, भाई यहाँ है चर्च, और यहाँ से चर्च का आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ एक बार थोड़ा सा। और भाई बिल्कुल चर्च के सामने है पार्किंग, वो वहाँ पे खड़ी है अपनी गाड़ी नीचे इस वाले फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में अपनी गाड़ी खड़ी है नीचे। तो भाई हमने यहाँ पे अभी चर्च भी देख ली, यहाँ फ़ोटो वगैरह अच्छी अच्छी फ़ोटो भी क्लिक कर ली। तो अभी कसीन ये है कि यहाँ से चलते हैं वापस धर्मपुर की तरफ। गाड़ी खड़ी है अपनी पार्किंग में, और मेरी बैक साइड में है बिल्कुल यहाँ पे है पार्किंग, बिल्कुल चर्च के ना साथ ही साथ पार्किंग है। तो अभी कसीन ये है कि यहाँ से चलते हैं धर्मपुर का अपना काम ख़त्म करेंगे। बैक साइड में चर्च भाई देखो कैसी लग रही है, शानदार लग रही है ना, अच्छा व्यू आ रहा है बिल्कुल। तो अभी चलते हैं यहाँ से, गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं भाई। पार्किंग यहाँ बिल्कुल शानदार बनी हुई है कसौली में, देखो गाड़ियाँ बिल्कुल सेफ खड़ी हैं सारी। भाई आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।